इंस्टाग्राम के ऊपर जो लोग मेरे साथ अभी तक जुड़ चुके हैं उनमें से अभी तक जितने भी ज़्यादा मुझे सवालात आए हैं उसके अंदर बड़े इंपॉर्टेंट कुछ सवाल आए हैं, और वो कॉमन क्वेश्चंस ये हैं कि आपके टॉपिक्स जो होते हैं वो इतने सीरियस क्यों होते हैं। सबसे पहले तो मैं ये क्वेश्चंस जब मैंने पढ़े तो मुझे बहुत ज़्यादा इस पर मुझे हंसी भी आई। इसके ऊपर मैंने सीरियसली सोचा भी कि अगर मैं इस चीज़ को एड्रेस नहीं करूँगा तो मे बी मुझे आगे जाके कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाकर अपने व्यूज़ तमाम व्यूवर्स के लिए इस वीडियो में जो हम मैं दे दूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दबा लें बेल आइकन को भी, ताकि आपको इस तरीके से इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले मिलते हैं। दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके जी, सो मेरे टॉपिक इतने सीरियस क्यों होते हैं, मैं इतने सीरियस टॉपिक्स के ऊपर वीडियो क्यों बनाता हूँ, मैं फनी टॉपिक्स या एंटरटेनमेंट वाले टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस क्यों नहीं बनाता। मैं ये कहना चाहूँगा कि अपनी हर एक बंदे की एक नेचर होती है, और उस नेचर को अगर एड्रेस किया जाए तो आप सबसे पहले कंफर्टेबल रहते हैं। अगर आप कॉमेडी पसंद करते हैं तो अगर आप कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं तो आप इंजॉय करेंगे। उसके अलावा अगर आप कोई पॉलिटिकल किस्म के आदमी हैं तो आप पॉलिटिकल डिस्कशन करना पसंद करेंगे। आर्टिस्टिक आपका जो है वो टेस्ट है तो आपको म्यूज़िक और डिज़ाइंस ग्राफिक्स के बारे में बात करने का बहुत अच्छा लगे। मेरा ये अपना ख्याल है कि इंसान को अपने नेचर को फॉलो करना चाहिए। उसकी नेचर क्या है, मतलब अगर एक बंदा म्यूजिशियन है, उसको म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट है, तो अगर वो पॉलिटिक्स के ऊपर बात करना शुरू कर दे वो कुछ से तो बात कर लेगा, लेकिन एक टाइम आएगा कि उसके अंदर वो स्पेस फिल हो जाएगी, वो उससे बोर होना शुरू हो जाएगा। जब आप किसी से बोर होना शुरू हो जाते हैं तो आप उसको अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। तो बेहतर ये है कि मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं उस तरह का कॉन्टेंट बनाऊँ जो लोग ये देखें, लेकिन सबसे पहले वो मेरी पसंद का कंटेंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे कोई रोस्टिंग वीडियो अपलोड करता हूँ, और जो कि मुझे रोस्टिंग नहीं पसंद, लेकिन अगर मैं इसको अपलोड करता हूँ एंड मैं कहता हूँ कि यार चल थोड़ी सी वीडियो चल जाएगी, व्यूज़ आ जाएंगे, तो एक वीडियो बना लूँगा, फिर दूसरी वीडियो बना लूँगा, चार पाँच बनाने के बाद आई विल गेट बोर फ्रॉम रोस्टिंग, ठीक है। और मुझे नहीं अच्छा लगता कि स्क्रीन के ऊपर आकर आप किसी की बुराई करें, ठीक है। रोस्टिंग आजकल ट्रेंड है, ट्रेंड को फॉलो जो करते हैं ऑब्वियसली उनको फ़ायदा होता है, लेकिन टाइम के बाद जाकर वो जो बोरियत है वो बढ़ जाती है, तो आप काम ठीक तरीके से नहीं कर सकते। अब जैसे इस तरह की वीडियोस जो डिस्कशन, मुझे शौक है टेक्निक्स का, मुझे शौक है पॉलिटिक्स का, भी शौक है डिफरेंट किस्म की चीज़ें मेरे अंदर हैं, और मैं कॉन्टेंट को उसी तरीके से रिवाइव करता रहता हूँ, तो जो मेरा शौक है वो मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। ये था मेरा छोटा सा जवाब उन दोस्तों को, और अगर किस्म की मिस्टेक्स अगर आप देखते हैं तो आप वो भी शेयर कीजिएगा। तो ये कॉमन क्वेश्चन जो था वो मुझे इंस्टाग्राम पे पूछा गया और मैंने उसका जवाब देने की कोशिश की। अगर आपको कोई बात बुरी लगी है तो आई एम सॉरी फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, लेकिन मेरा ये जवाब था, और होपफुली कि आप लोग सेटिस्फाइड हो गए होंगे। कोई और क्वेश्चन अगर आप करना चाहते हैं तो आइएगा इंस्टाग्राम के ऊपर। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप मुझे इंस्टाग्राम पे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अभी वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।